आज पठानकोट के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ट्यूबवेल कमरे में एक पंप ऑपरेटर की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पूरा दिन पानी की सप्लाई न होने के कारण जब लोगों ने पंप पर जाकर देखा तो दरवाजा अंदर से बंद था। इसके बाद स्थानीय पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने छत के रास्ते से एक आदमी को अंदर भेजकर दरवाजा खुलवाया तो देखा अंदर एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। इस संबंधी जानकारी देते हुए जांच अधिकारी सतबीर सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान भूपिंदर कुमार के रूप में हुई है और यह इसी पंप पर कार्य करता था। उधर मृतक के भाई ने बताया कि इसकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी, इसी के चलते उसकी मौत हो गई है। हालांकि पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के परिजनों के बयानों के आधार पर जांच शुरू कर दी है। उत्थे पता लगा कि भुपिंदर कुमार जिहड़ा वाटर सप्लाई दे विच नौकरी करदा सीगा ते रात अपनी ड्यूटी दे उत्ते सीगा, इत्थे रहिंदा सी ज़्यादा, ते उहदी पता लगा कि डैथ हो गई आ। ते इक आपां इत्थों बाबा करमंडल जी हैगे आ, उहनां नूं फिर आण के अंदर ताला लगा होया सीगा, इहनां नूं उपर दी चढ़ाया छत दे उत्ते, ते छत दे उत्ते चढ़ा के ते अंदरों दरवाज़ा खोल के ते इहनां नूं कढ़िया। इन्ने चिर नूं इहनां दे वारस इहदा ब्रदर सुरिंदर कुमार ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਭਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਅਕਸਰ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਗਤੀ ਲੈ ਕੇ ਲਈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।